रायबरेली एक हॉट सीट जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और बीजेपी के कैंडिडेट है दिनेश प्रताप सिंह, वो पीछे चल रहे हैं। रायबरेली सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। अमेठी सीट से भी ज्यादा पुरानी सीट रायबरेली रही है और यही कारण रहा कि अमेठी सीट पर चुनाव लड़ने के बजाय रायबरेली चुनाव लड़ने चले गए राहुल गांधी। हालांकि उस समय पर बीजेपी की कई नेताओं ने यह कहा कि राहुल गांधी हार के डर से रायबरेली पहुंचे हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कुछ सियासी जानकारों का ये मानना रहा कि रायबरेली वो सीट रही है जो कि एक परंपरागत सीट रही कांग्रेस की। अमेठी से पहले अस्तित्व में आई रायबरेली सीट और यहां से लगातार गांधी परिवार से कैंडिडेट जो है वो जीतता रहा है। यहां पर सोनिया गांधी की बात करें, सोनिया गांधी लगातार जीत हासिल करती रही हैं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी क्योंकि चुनाव नहीं लड़ सकती थी, यही कारण रहा कि राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को चुना चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कहा यह भी जा रहा था कि अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो रायबरेली से हो सकता है प्रियंका गांधी जो है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है।